स्टूडेंट्स प्रॉब्लम 1.2 देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर है ये वाला प्रॉब्लम भी। कहता है एक फोर्स लग रहा है स्मॉल स्फीयर पे, इस पर चार्ज दे रखा है अपन को 0.4 माइक्रोकूलम। किसी और स्फीयर की वजह से जिस पे चार्ज है नेगेटिव में है ना, -0.8, और फोर्स का टर्म भी दे दिया है। पूछ रहा है अपन से व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू स्फीयर्स, ठीक है। और सेकेंड टाइम पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो एक के लिए सॉल्व करते हैं अपन। हमें पता होता है कि ये सेपरेशन है यहाँ पे, इसको लिख सकते हो आप Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे Q2 का वैल्यू दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव की है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि ये फोर्स कैसे लग जाएंगे अट्रैक्टिव नेचर के, और क्योंकि फोर्स म्यूचुअल होता है, एक्शन रिएक्शन पैर होता है, तो इस तरह से आ जाएगा आंसर। यहाँ से आप लिख सकते हो फोर्स ऑन, लेट्स से ये फर्स्ट स्फीयर है और ये सेकेंड स्फीयर है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो बराबर हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर वेक्टर लगा दिए यहाँ पे तो एक पे नेगेटिव आ जाएगा। हम लोग ए के लिए सॉल्व कर लेते हैं, और फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा छोटा वाला के पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ये जो के है राइट, ये के 1/4πε0 होता है और यहाँ एप्सिलॉन आर हो जाता है। फिर लिखूंगा मैं Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एयर वर्ड यूज कर लिया गया है तो इसकी जरूरत तो है नहीं, फिर भी बच्चों को एडवाइस देते हैं कि गलती बहुत कम होगी अगर आप इसको याद रखोगे। और ये अल्टीमेटली है क्या, कैपिटल वाला के होता है और वो 1 हो जाएगा, किसके लिए होता है बच्चों, एयर के लिए। मैं कई बार इसको बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ से पढ़ते हैं, 1/4πε0 होता है 9×10⁻⁹, ये 1 हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट चार्ज है 0.4 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय, ये सेकेंड चार्ज नेगेटिव में है लेकिन आप लोगों को मैग्नीट्यूड यूज करना है, तो हो जाएगा 0.8×10⁻⁶। और डेनोमिनेटर में अपने पास रखा जाएगा आर का स्क्वायर, और फोर्स का टर्म है बच्चों 0.2। इसको यहाँ पे कैंसिलेशन में रखोगे तो ये कैंसिल होकर क्या बना देगा, ये हो जाएगा 4 का टर्म। ये डेसिमल यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे एक और आ जाएगा 10⁻⁻⁶, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, आर इधर चला जाएगा तो क्या मिल रहा है, आर का स्क्वायर बन रहा है बच्चों एक, और ये आर अपने पास 9×, एक 4 का टर्म है एक और 4 का टर्म है, और 10⁻⁹ ये 9 हो गया, 6 और 6 कितना हो रहा है अपने पास -12 हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा अपने पास माइनस में 13, और 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, ये माइनस में आ जाएगा 4। और यहाँ से आर को फिर सॉल्व करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, रूट लग जाएगा इस टर्म पे, तो ठीक है। तो 9 है 4 है और यहाँ पर भी 4 है, और 10⁻⁴ ही है, ठीक है बच्चों। सॉल्व कर लो तो बाहर निकल के आएगा 3, और इन दोनों में से एक 4 बाहर आ जाएगा, और 10⁻⁻² बाहर आ जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा 0.12 मीटर्स, या लिख सकते हो आप 12 सेंटीमीटर। ये आपके पास फर्स्ट वाले का आंसर हो रहा है। सेकंड की बात करते हैं, सॉल्व तो करना नहीं है इसको क्योंकि यहाँ अपन पहले ही डिस्कशन में रख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि फोर्स एक्शन ठीक है रिएक्शन पैर होता है, तो जितना फोर्स फर्स्ट पे लगाया होगा सेकंड ने, उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा सेकंड पे और फर्स्ट पे। और यहाँ वेक्टर लगे होते हैं या नेगेटिव आ जाता है तो मॉड लिप भी लगा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है अपन को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इट विल बी सेम, और अगर मैग्नीट्यूड मांगा जाएगा तो आ जाएगा जो गिवन है वही लिख दो आप, 0.2 न्यूटन। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया और ये सेकेंड का आंसर हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।